शाहीनबागच्या धर्तीवर इमामबाग आंदोलन सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू आहे. आंदोलनाचा आज 12वा दिवस आहे. 12व्या दिवशी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष सादिकभाई शेख यांनी उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन केले आहे. पाहूयात ही बातमी. कराया जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को बताया जा रहा है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. ये उनकी वैसी ही साजिश है जो अंग्रेजों ने हुकूमत में आने के लिए की थी. आज वही साजिश ये लोग दोहरा रहे हैं. हमारे हिंदू भाइयों को बता रहे हैं कि ये मुसलमान औरतें मर्द लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों की मदद के लिए लड़ रहे हैं. ये हकीकत नहीं है. हकीकत ये है, जब भी इस मुल्क का दस्तूर, जब भी इस मुल्क की एकजहती, जब भी इस मुल्क को नुकसान देने की साजिश किसी ने की है, उसकी आंखें नोचने का काम मुसलमानों ने किया है. उसी तारीख को हम दोहरा रहे हैं. ये मुल्क कल गुलाम था, आजाद करने के लिए हमारे पुरखों ने लहू बहाया है. आज फिर हमारी मस्तुराते हमारी माँ बहने रास्ते पर उतारी है. इसलिए उतरी है कि मुल्क फिर से गुलाम न हो, संविधान खत्म न हो, मुल्क की एकजहती खत्म न हो. लेकिन इसको बदगुमान करने के लिए, मुसलमानों से दूर करने के लिए कई लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आज यहाँ पर प्रचार सभा ले रहे हैं. एक तरीके से इन लोगों की साजिश को अंजाम देने के लिए सुपारी लेकर बयान कर रहे हैं कि ये मुसलमान जो रास्ते में उतरे हुए हैं, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए नहीं. मैं फख्र से कहूंगा, आज हमारे वफादारी से सबूत मांगने वालों, इस मुल्क को लहू बहाकर आजाद किया है हमने. इस मुल्क को लहू बहाकर आजाद किया है हमने. इस मुल्क को जाने गवाकर बचाया है हमने. हम उन्हें अपने वफादारी का सबूत क्यों दे, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देकर इस मुल्क को सजाया है हमने. अशफाकुल्ला खान का नाम सबने सुना है. ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी है. शहीद अब्दुल हमीद का नाम सुना है क्या? शहीद अब्दुल हमीद का नाम सुना नहीं तो मैं उन लोगों के बातों को, उनको तमाचा मारना चाहूंगा जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान का वफादार बनेगा. कुछ लोग पहले, एक ने पोस्ट की कि अगर पाकिस्तान मजहब के नाम पर अलग होगा तो भारत का मुसलमान, जब भी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो भारत का मुसलमान पाकिस्तान के लोगों को मदद करेगा मजहब के नाम पर. अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने इस खून के अंदर, इस ईमान के अंदर इसे ताकत दी है. जो हुब्बुल वतनी से कभी अपना मुंह नहीं फेरेगा, जब भी कोई नजर, बुरी नजर इस मुल्क पे डालेगा, इस भारत पे डालेगा, उस वक्त उसकी आंखें नोचने का काम मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर किया है. शहीद अब्दुल हमीद वो शख्सियत है जिस वक्त पाकिस्तान अपने पैटर्न टैंक अपने हिंदुस्तान के सरहद में घुसा रहा था, तो शहीद अब्दुल नाम का ईमान वाला शख्स है जिसने जाने गवा कर 7 पैटर्न टैंक उड़ाए और पाकिस्तान की जीत को हार में तब्दील किया. उसके बाद भारत के ऊपर कोई तिरछी नजर न डाले, इसलिए भारत को अपने हथियारों से, अपने क्षेपणास्त्र के जरिए से मजबूत करने का काम एपीजे अब्दुल कलाम ने किया. भारत का मुल्क, भारत का दस्तूर जमीन बने, इसलिए सैयद अहमद है और साथ में हमारे मौलाना आजाद भी उस कमेटी पे थे जिन्होंने इसके अंदर संविधान दस्तूर सेक्युलर बनाने की मेहनत की है. आज के दिन मैं इतना ही कहूंगा कि सलाम इन तमाम शेरनियों को. जय शेरनिया भारत के अंदर रास्ते पे निकल कर मुल्क की जमहूरियत, मुल्क का दस्तूर, मुल्क की धर्मनिरपेक्षता बचाने के लिए लड़ रही है. ऐसी शेरनिया आज के पहले भारत ने देखी थी जिसे झांसी की रानी कहा जाता है. लेकिन झांसी की रानी का नाम लेने के साथ साथ हम बेगम हजरत महल की कुर्बानी को क्यों भूलते हैं? झांसी की रानी की कुर्बानी को मैं सलाम करूंगा जिसने इस आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई. उसी तरीके से सलाम हमको करना होगा बेगम हजरत महल को भी जिसने अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी थी. मेरी माँ बहनों के अंदर, हर एक के अंदर वो झांसी की रानी मौजूद है, बेगम हजरत महल मौजूद है, अजीजन भाई मौजूद है. ये आज इतनी जो लड़ाई लड़ रही है, ये लड़ाई जीत कर इस मुल्क का दस्तूर बनाने में कामयाब होगी. इसी उम्मीद के साथ मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह हमारी इस तहरीक को, इस शाहीनबाग के आंदोलन को पहचानने की नज़र हमारे हम वतनी भाइयों को, खुसूसन हिंदू भाइयों को दे. ये लड़ाई किसी एक मजहब के लिए लड़ाई नहीं है. ये लड़ाई वो तमाम NRC और CAA में पिसने वाले हमारे गरीब हिंदू भाई है, SC भाई है, ST भाई है,
भटके विमुक्त लोग है जिनके पास जो दस्तावेज मांग रहे वो नहीं है, जिनको चक्की में पीसना पड़ेगा, उनके लिए भी लड़ाई हमारी माँ बहने लड़ रही है। इनको पहचानने की अल्लाह नजर उनको दे, इतना कहकर मैं आप सबकी इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।